बलरामपुर में सगे मौसी ने अपने 8 वर्षीय मासूम बच्चे की निर्ममता के साथ में हत्या कर दी। दरअसल जनपद में रिश्ते को खत्म करने और उसे कलंकित करने का एक मामला सामने आया है, जहां पर सगे मौसा ने रिश्ते को तार तार कर दिया और एक 8 वर्षीय मासूम बच्ची को बड़े ही निर्ममता के साथ गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। मामला बलरामपुर जनपद के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र का है, जहाँ पर आला हजरत कॉलोनी का यह पूरा मामला है, जहाँ पर एक माह पूर्व अपने बहन के यहाँ रिश्तेदारी में एक महिला नीतू ने 2 दिन पूर्व पुलिस को एक लिखित तहरीर दी थी, जिसमें उसकी 8 वर्षीय बच्ची 11 अक्टूबर की रात से अचानक गायब हो चुकी थी। पुलिस ने अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था। वहीं बच्चे की खोजबीन जब शुरू की गई, काफी खोजबीन करते हुए जब 13 अक्टूबर की शाम 5 बजे घर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर छोटे से तालाब में बच्ची का शव बरामद कर लिया गया। पुलिस ने शक दायर करते हुए घर वालों पर ही इसको लेकर पूछताछ शुरू कर दी। संदिग्ध के घेरे में बच्ची का मौसा करण सोनी भी आया था, जिसके चलते करण से कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसके बाद बच्ची के सगे मौसा करण सोनी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कहा कि मृतक बच्ची और उसकी मां तकरीबन एक माह पूर्व उसके घर बलरामपुर आए हुए थे, जहां पर वह रह रही थी। मृतक बच्ची व उसकी मां से अभियुक्त करण सोनी जलन रखता था और मौके की तलाश कर रहा था। 11 अक्टूबर की रात को ट्रॉफी दिलाने के बहाने मृतिका बच्ची सिया को बुला के ले गया और सुनसान स्थान पर ले जाने के कारण उसे गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई और तालाब में शव को फेंक दिया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने बताया कि संपूर्ण विविधक कार्रवाई करते हुए इसमें मृतक बच्ची सिया के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की विधिवत कार्रवाई लगातार की जा रही है। जनपद बलरामपुर के थाना कोतवाली नगर में कल एक लड़की, 8 वर्षीय लड़की के माता के द्वारा तहरीर दिया गया था कि उनकी बच्ची मिल नहीं रही है। तहरीर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। तब से लगातार हमारी टीम लड़की को ढूंढने का प्रयास कर रही थी। आज शाम में 4 बजे के आसपास नहर बालागंज एक जगह पड़ता है, वहाँ पे सुहाव नाले के पास एक डेड बॉडी मिली थी 8 वर्षीय बच्चे की। परिवारजनों के द्वारा बच्चे की शिनाख्त कर ली गई है। इस पूरे घटनाक्रम का जो है वर्कआउट कर लिया गया है। इसमें जो लड़की है उसके सगे मौसा के द्वारा ये घटना कारित किया जाना स्वीकार किया जा रहा है। अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ पर अभियुक्त, जिसका नाम करण सोनी है, इसके द्वारा ये बताया गया है कि लगभग 1.5 महीने से मृतका और उसकी माँ इसके घर पे आके रह रहे थे और इनका लगातार पारिवारिक विवाद चल रहा था। और जो इसकी बेटी थी अभियुक्त की, उसकी बेटी को ये जो मृतका है, अभियुक्त का ये कहना है कि वो लगातार परेशान किया करती थी, उसका मुंह नोच लिया करती थी, जिसकी वजह से एक दो बार उसके फेस पे इन्फेक्शन भी हो गया है। और इसने इसी बात पे के कारण अपने मन में ये निश्चय किया था कि जब भी मेरे को मौका मिलेगा मैं इस तरह की घटना कारित करूँगा। तो परसों रात 8:30 बजे के आसपास जब ये मृतका है और अपनी जो अभियुक्त की बेटी है, ये दोनों एक दुकान पे कुछ सामान खरीदने के लिए आए हुए थे, तो अभियुक्त करण सोनी के द्वारा जो मृतका है उसको ये कह के कि मैं तुम्हें अपनी बेटी के दोस्त के घर लेके चलता हूँ, बहला फुसला के उसको इस सुनसान जगह पर लेके आया और उसके द्वारा ये हत्या करने की घटना कारित की गई है। अभियुक्त की निशादेही पे जो मृतका है उसके चप्पल को भी बरामद कर लिया गया है। शव को PM हेतु मॉर्चरी भिजवा दिया गया है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।